गुड इवनिंग, आप सब कैसे हैं फ्रेंड। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, जो टॉपिक है वो NSH कंपनी के बारे में है, क्योंकि हमारे YouTube वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट NSH के बारे में ही आता है। NSH के बारे में ही अभी भी कमेंट देखिए तो दो चार कमेंट एनी टाइम आ रहा है पर डे। NSH कंपनी कैसा है, NSH कंपनी का ऑफर लेटर कितना दिन में आएगा, NSH कंपनी का वीज़ा। कुछ भाई लोग का कमेंट करते हैं कि NSH कंपनी का वीज़ा का नाम कितना दिन पर आएगा, NSH कंपनी का मेडिकल कैसा होगा, कब मेडिकल होगा। कुछ आदमी कर रहे हैं कि मेडिकल हो गया है, वीज़ा भी नहीं आया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे मतलब कौन से ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट चल रहा है। तो फ्रेंड, मैं सोचा कि क्यों ना एक बार फिर एक वीडियो बनाया जाए NSH कंपनी के बारे में, फुल डिटेल से बताया जाए। क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है, मेरा मकसद यही है कि जितना आप लोग भाई का, आप लोग का जितना हेल्प हो सके, समझ लिए, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से जितना हेल्प हो सके उतना मैं सोचता हूँ कि आप लोग के लिए मैं हेल्प कर सकूँ, समझ लीजिए कि उतना डिटेल में बता सकूँ, जितना भी हेल्प हो सके आप लोग का, बस मेरा यही वो रहता है। तो फ्रेंड, अगेन वन वीडियो अभी स्टार्ट होने जा रहा है NSH कंपनी के बारे में फुल डिटेल से। तो अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में वेल आइकन का घंटी है दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे कुछ नए भाई लोग हैं NSH कंपनी में, देखिए NSH कंपनी का चार जगह अभी काम चल रहा है। मैं अगेन एक बार फिर बता दूँ, सबसे पहले सऊदी, सऊदी तो मान लीजिए कि NSH का भंडार है, सऊदी अबू धाबी, ठीक है ना, दो जगह हो गया, तीसरा हो गया बहरीन और चौथा जगह हो गया अभी कतर। एक जगह और काम चल रहा था कुवैत में, लेकिन अभी कुवैत का काम बंद हो गया है, ठीक है फ्रेंड। सऊदी, अबू धाबी, बहरीन और कतर, अभी चार जगह बम्फर काम चल रहा है, समझ लीजिए। बहुत समझ लीजिए, NSH कंपनी का अभी समझ लीजिए गल्फ में कुछ नहीं है, तो अभी केवल बहरीन में 10-15 हज़ार मेन पावर है, सऊदी में 15,000-20,000 मेन पावर है, कतर में भी वैसे ही है, अभी नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, और उसके बाद से अबू धाबी में भी वैसे ही मेन पावर है, समझ कुछ नहीं है। तो 50,000 आदमी अभी एम्प्लॉई, अभी कुछ नहीं है तो 50,000 एम्प्लॉई अभी गल्फ में काम कर रहे हैं NSH कंपनी में। सोच लीजिए, इंडियन वर्कर को 5,000 को नौकरी देना कोई मामूली बात नहीं है, समझिए। 5,000 वर्कर अभी काम कर रहा है NSH कंपनी में आज की डेट में। इतना मंदी का समय चल रहा है, दौर से गुजर रहा है, और उसके बाद से कोरोना का समय है, फिर भी मतलब समझिए 5,000 वर्कर NSH कंपनी में अभी करेंट टाइम में अभी काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। दूसरा चीज़ है फ्रेंड कि उसका वो कंपनी ऐसी है कि अभी तो इस टाइम में 15 तारीख तक सैलरी कर रही है, लेकिन एक समय था आज से मात्र 3-4 साल पहले की बात है, समझ लीजिए, 1 तारीख को 1 तारीख तक पैसा आ जाता था, 1 तारीख तक पैसा देती थी NSH कंपनी, समझ लीजिए, 1 तारीख तक। इस सैलरी में उसका ये नहीं है, सैलरी बहुत टाइमली था, समझ लीजिए, टाइमली है, समझ तक उसका सैलरी आ जाता था। दूसरा चीज़ है कि उसका अगर इंटरव्यू हो जाएगा तो वीज़ा 100% आना है, ये नहीं इंटरव्यू हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा तो वीज़ा 100% देती है NSH कंपनी, समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड, कोरोना के समय में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ डगमगा गई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई, समझ लीजिए। सीसी है, इतनी बड़ी कंपनी, उसका हालत ख़राब हो गया। गल्फार है, डोरसल है, डोरसल का आता पता भी अभी नहीं, अफ्रीका में थोड़ा चल रहा है, समझ लीजिए। इतने बड़ी बड़ी कंपनियाँ का हालत ख़राब हो गया, तो मान लीजिए कि अभी ये इतना मेन पावर अभी रखी है, 50,000 मेन पावर लेके काम करा रही है, तो कोई कम चीज़ नहीं है फ्रेंड। फ्रेंड, ये तो हो गया कंपनी के बारे में। एक दूसरा चीज़ है फ्रेंड कि जो भी हमारे भाई लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो मान लीजिए इंटरव्यू दे दिए हैं, इंटरव्यू मारने वाले हैं, तो कोई भी भाई है नया जो जाने वाला है, वो थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं। थोड़ा मान लीजिए कि इंटरव्यू दे दिए तो वो लोग बोल देते हैं कि भाई देखिए 15 दिन में 10 दिन में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। थोड़ा लेट भी हो जाता है, कभी कभी 5 दिन में ही ऑफर लेटर आ जाता है, कभी कभी 1-2 महीना भी लग जाता है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है फ्रेंड, घबराइएगा मत, ठीक है, ऑफर लेटर आएगा तो आएगा, समझ लीजिए। उसके बाद से मान लीजिए जिसके ऑफर लेटर आ गया, तो ऑफर लेटर साइन होने के बाद से उसके बाद से मेडिकल वीज़ा आता है, मेडिकल होता है, उसके बाद वीज़ा आता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो उसमें भी घबराने वाला बात नहीं, जिस भाई का मेडिकल हो गया तो मान लीजिए कभी कभी क्या रहता है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब जल्दी का काम है, तो समझ लीजिए कि जल्दी भी आ जाता है वीज़ा, 15-20 दिन में ही, 1 महीना में भी आ जाता है, कभी कभी थोड़ा 3-4 महीने तक भी समय लगता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सिलेक्शन हुआ है, मेडिकल हुआ है, तो आपका वीज़ा आना ही है, समझिए। थोड़ा सब्र रखिए, कभी कभी तो 6-6 महीने के बाद वीज़ा आता है,
समझ लीजिए, जो लोग पासपोर्ट नहीं निकालते हैं तो 6 महीने के बाद भी, साल साल भर के बाद भी वीज़ा देती है एनएसएस कंपनी, ऐसी है समझ लीजिए, वीज़ा उसका 100% आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि जो नए बंदे जाने वाले हैं चाहे जा रहे हैं वो टेंशन मत लीजिए, सप्लाई कंपनी नहीं है, बशर्ते आपको काम का नॉलेज है, जिस फील्ड से हैं, जिस फील्ड से आप काम का नॉलेज है, प्लम्बर है तो प्लम्बर का नॉलेज होना चाहिए, पाइप फिटर है तो पाइप फिटर का नॉलेज होना चाहिए, बिल्डर है तो बिल्डर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, वो लोग वही ट्रेड में अप्लाई कीजिएगा, लगाइएगा। ठीक है फ्रेंड, ये कंपनी में ये चीज़ है कि जो ट्रेड से है, जो ट्रेड का 100% आपको काम मालूम है तो वही ट्रेड में आप जाइएगा, दूसरे ट्रेड में मनी चलेगा, दूसरी कंपनी में चलेगी, बट एनएसएच कंपनी में ऐसा नहीं है। एनएसएच कंपनी में जो ट्रेड से है वही ट्रेड से जाइएगा, क्योंकि ये कंपनी का थोड़ा अलग ही व्यवस्था है। ठीक है ना, पाइप फिटर है तो आपको मान लीजिए कि वहाँ पर डाया देना है, इतना इंच का डाया, 40 इंच 50 इंच पर डे देना है समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कोई लोग बोल रहा है कि नहीं नहीं आप काम नहीं किए हैं डायरेक्ट चले जाइए, तो नहीं, आप उस काम का तैयारी कर लीजिएगा। बहुत इंस्टीट्यूट है कि जो मतलब 1 महीना 2 महीना की तैयारी करवाते हैं, वहाँ पर तैयारी कर लीजिए, घबराने के बाद नहीं है। अगर आप इंटरव्यू दे दिया तो 2 महीना दे दिया तो 2 महीना कहीं जाकर तैयारी कर लीजिए, 2 महीना तैयारी कर, 2 महीने में आप आईडी थिकनेस मेजरमेंट आप देखने को मालूम हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्डर बिल्डिंग में जाना चाहते हैं तो बिल्डर का बहुत इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाकर रूट फेस मारने का आप सीख जाएंगे, वहाँ पे भी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो भी ट्रेड से अब तो सबका अपना टेस्ट टेस्ट हो रहा है समझिए, हर जगह टेक्निकल अपना सेंटर खुला है, वहाँ पे दे दीजिएगा, घबराने का कोई बात नहीं है। कोई भी कंपनी में, कोई भी ऑफिस में आप मतलब यूट्यूब मारेंगे, कोई भी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आजकल हर जगह है। दूसरा चीज़ है कि यूट्यूब पर बहुत तैयारी हो जा रहा है आजकल, तो इतना बढ़िया व्यवस्था है समझिए फ्रेंड की, अगर पर डे आदमी 1 घंटा यूट्यूब पे तैयारी करे तो कोई भी परीक्षा आप निकाल सकेगा, 2 घंटा तैयारी करे अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, जिसको कुछ नहीं मालूम है कोई गूगल खोलना है, गूगल खोल के यूट्यूब खोल के आप बोलना है उसको तुरंत आ जाएगा समझ लीजिए। दूसरा तीसरा चीज़ फ्रेंड मैं बता रहा हूँ कि जो भी नए हमारे भाई लोग हैं जाना चाहते हैं तो दूसरे के बाद बहुत लोग कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, ऐसा भी है, दूसरे के बाद में मत आइए। ये कंपनी सप्लाई कंपनी है, नहीं है एनएसएस कंपनी। 10,000 जो मैन पावर रखेगा वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट खुद का लेकर काम कराती है। 10,000 कोई, 20,000 कोई मैन पावर रखना कोई दाल भात का कवर नहीं है, छोटा मोटा चीज़ नहीं है समझ लीजिए। वो उसमें खाना बनाने को आपको नहीं है समझ लीजिए, वो खाना फ्री है। ठीक है ना, बस फ्री है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, फ्री फूड है। फ्री फूड के मतलब खाना फ्री है, कंपनी का खाना मिलेगा समझ लीजिए, जो भी है अपना सुबह शाम को दोपहर में खाना मिलेगा, सुबह में नाश्ता मिलता है, शाम को खाना मिलेगा, दोपहर 12 बजे खाना मिलेगा। ठीक है ना फ्रेंड, ये नहीं है कि सप्लाई कंपनी नहीं है कि अपना सुबह के बेरा अपना चूल्हा चौकी जराए, रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, फिर शाम को खाना लेकर जाना है, सुबह में खाना लेकर जाना है, शाम को आना है तो खाना बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी खाना फ्री देती है। ठीक है ना, तो इसमें घबराने का बात नहीं है। दूसरा चीज़ है कि रूम देती है, रूम कैपेसिटी, जो भी भाई लोग रूम एकदम फ्री देती है, रूम का 1 रुपया देना नहीं है, ना खाने का पैसा 1 रुपया देना है, जो सैलरी लगेगा 8 घंटा का वो सैलरी आपको मिलेगा, ओवर टाइम करेंगे तो उसमें जोड़ के मिलेगा, खाना का पैसा नहीं कटेगा ना रूम का पैसा कटेगा। दूसरा चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि गाड़ी जो जाने आने का है गाड़ी फ्री है, बस कंपनी के बसेस है, 100-200 बसें है एक एक साइड पर, अभी बहरीन में ही 200-200 बसें हैं समझ लीजिए। अगर जो भी भाई हमारे नए भाई लोग हैं अगर अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ हमारा पूरा वीडियो वॉच कीजिए पीछे का, मैं टोटल मेस होल्ड से लेकर और बस से लेकर टोटल बस स्टैंड से लेकर टोटल मैं वीडियो बनाया हूँ, बना के डाला हूँ एनएसएच कंपनी का समझ लीजिए, तो दूसरे के बातों में नहीं आना है, पूरा मैं वीडियो बनाकर डाला हूँ देख लीजिएगा, हर जगह का वैसा ही व्यवस्था है। ठीक है ना, कंपनी तो वही ना है, सऊदी में भी बढ़िया व्यवस्था है, अबूधाबी में, दुबई में भी बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ पे भी है बहरीन में, और अभी तो कतर में नहीं रहा हूँ एनएसएच में, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था अच्छा है। ठीक है ना, जो भी अदर कंपनी का जैसे मेस होल्ड का खाना रहता है वैसे खाना है आपको, मतलब फ्राइडे के दिन बिरयानी खिलाएगी, कोई अगर मान लीजिए कि जो होल्डे है वो होल्डे के दिन जो भी मेनू रहेगा उसी दिन भी बिरयानी उरयानी मिलता है वो भी खिलाएगी समझ लीजिए। पहले तो पूड़ी उड़ी भी देती थी लेकिन बीच में से बंद हो गया, लेकिन जो भी मेनू है वो सब देती है कंपनी। ठीक है ना, थोड़ा खाना उतना बेस्ट नहीं है ये चीज़ तो मैं कहूँगा समझ लीजिए, लेकिन कुछ अपने से भी खाना पड़ेगा, ये चीज़ है। मान लीजिए एप्पल है कुछ मंथ लेकर मंथली अब सैलरी मिलेगा तो आपको लेकर खाना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो है खाना ठीक है, ये नहीं है कि नहीं, ये तो नहीं है, खाना बनाने वाला झंझट बहुत ज़्यादा है समझ लीजिए। ड्यूटी से आइएगा 12 घंटा ड्यूटी करके ऐसे ही 8 से 8 ड्यूटी, 7 से 7 ड्यूटी हो जाएगा, 7 बजे आइएगा 1 घंटा बस में आने में लगेगा, 8 बजे सप्लाई कंपनी में, उसके बाद से खाना बनाइएगा 2 घंटा समय ये लगता है, तो सोइएगा कब, सुबह में ड्यूटी कैसे जाइएगा,
तो ये चीज़ है, कंपनी में खाना बनाने में ये चीज़ में बहुत अंतर पड़ता है। तो ये सब महीने के लिए अच्छा है। दूसरा चीज़ है कि 15-20 तारीख तक भी सैलरी आपको दे दे रही है तो बहुत अच्छी है। दूसरा चीज़ है कि बहुत भाई लोग का कमेंट आता है कि सैलरी रोकती है 1 महीना 2 महीना, तो सैलरी रोकती नहीं है। आप जाएंगे आपको एडवांस पैसा मिलेगा, जो सैलरी रहेगा 10 दिन काम किए रहेंगे, 15 दिन काम किए रहेंगे, जो महीना में गए रहेंगे उसका सैलरी अगले महीना में, मतलब जैसे वो आएगी सैलरी उसमें दे देगी। सैलरी रोकती नहीं है 1 रुपया किसी का, ठीक है ना। सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी चारों साइड में सऊदी, बहरीन और अबू धाबी और कतर, अभी कतर न्यू ओपनिंग जॉब है, नया प्रोजेक्ट है। फीफा वर्ल्ड कप से रुका हुआ था, अभी सिविल का काम अभी चल रहा है, सिविल का काम से स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, उसके बाद पाइपिंग का चलेगा। तो जो भी हमारे नए भाई लोग हैं अगर जाना चाहते हैं तो कतर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, समझिए। कतर में जाइएगा, अबू धाबी में, अपना जहाँ का भी रिक्वायरमेंट लगाइएगा, लेकिन कतर न्यू प्रोजेक्ट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कतर में जाएंगे तो 2-4 साल आपका आराम से निकल जाएगा, और कहीं जाएंगे तो मान लीजिए कि वहाँ पे अभी इंड पे है प्रोजेक्ट, 1-6 महीना 2 साल, फिर उसके बाद इधर से उधर जाना, उससे अच्छा रहेगा। कतर जाएंगे तो 2 साल आपका आराम से, 2-3 साल आराम से निकल जाएगा। ऐसे तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 5-6 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन मतलब मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि अपना कतर बेस्ट रहेगा, समझिए, ठीक है ना। नए प्रोजेक्ट में जाना सही रहता है, इसलिए कि काम पूरा स्टार्टिंग में रहता है, मज़ा आता है, समझिए, काम करने में, ठीक है ना। तो फ्रेंड, काफ़ी कुछ मैं बताया एनएसएस कंपनी के बारे में, आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।